The woman has a right to put her grievance at any platform of her choice and even after decades. यानी महिला अपने यौन शोषण के बारे में किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात कर सकती है और कई सदियों बाद भी बात कर सकती है. और the court also observed that a man of social status can also be a sexual harasser. ये जो वो कहते हैं कि रिस्पेक्टफुल सिटीजन हैं ब्रिटेन के और इंडिया के भी बहुत ही रिस्पेक्टफुल सिटीजन हैं और उनकी सोशल स्टैंडिंग है, रेप्यूटेशन है. क्या रेप्यूटेशन है ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच जानता है, ठीक है. तो वो भी सेक्सुअल हैरेसर हो सकते हैं, ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है. नाउ अब हम बात करते हैं डेफेमेशन की. डेफेमेशन क्या है, मतलब ये जो मानहानि हम कहते हैं, मानहानि डेफेमेशन, व्हाट इज डेफेमेशन? इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन द मेंस रिया टू कॉज हार्म इज द साइन क्वा नॉन. टू कॉज हार्म, आवर क्लाइंट स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी एन इम्प्यूटेशन एंड सच इम्प्यूटेशन मस्ट हैव बीन मेड विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग और नोइंग or having reason to believe that it will harm the reputation of the person about whom it is made. Now, यहाँ पर लिखा है कि अगर intention क्या है, अगर intention ये है कि हम reputation को ख़राब करें तो defamation notice कि मतलब डेफेमेशन नोटिस भेजी जा सकती है अगर इंटेंशन ये हो कि चलो रेपुटेशन को बर्बाद करते हैं, ख़राब करते हैं. जिस पुरुष रिपू सुदन AKA राज कुंद्रा एंड मिसेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, हाँ, जिनकी रेपुटेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, मतलब जिनके बारे में लोग जानते हैं, जिनके कारनामों के बारे में जानकारी है पब्लिक डोमेन में, अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, हाँ, की कंस्पिरेटर इन पोर्नोग्राफी केस, ओके. जिनके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1467 पेज की चार्जशीट फाइल की थी. हाँ, ये बात करते हैं रेप्यूटेशन की. गौर फरमाइए, हाँ, आप सब, रेपुटेशन की बात कौन कर रहा है? गोल्ड स्कैम, चीटिंग, IPL स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, FIR लॉन्च्ड इन लखनऊ, तो आप देख रहे हैं कि रेप्यूटेशन की बात कौन कर रहे हैं. प्लस बहुत सारे पेजेस हैं, मतलब 35 पेजेस हैं मेरे रिप्लाई नोटिस में, और इन्होंने जो कारनामे किए हैं अपने लाइफ में उन सब का जिक्र है. इन डिटेल नहीं लिखा है, इन डिटेल लिखने जाओ तो आई थिंक मुझे भी 1000 से ज़्यादा पेजेस लग सकते हैं, जैसे मुंबई क्राइम ब्रांच को लगे थे. So now coming to the last but first page of my notice, जिसमें मैंने लिखा है, मतलब मेरी legal team ने लिखा, withdraw the present legal notice with immediate effect to pay a sum of ₹75 crores by way of compensation for mental harassment, agony, anguish, affliction, misery, trauma, acute stress and hypertension, for which I am taking a medical treatment in a leading hospital in Mumbai, to pay an amount of 1,50,000 towards the cost of the present reply notice, to refrain from indulging in acts of intentional harassment by taking fraudulent recourse to noble provisions of law to cover your client's own wrongs.